हेलो स्टूडेंट, आज हम जो है तो अगला पार्ट देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 में। आपने हमें एक्टिविटी दिया है लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करा कर दूंगा। देखिए तो फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है आपको। यहाँ से आपको यहाँ नाम दे दीजिए, T1 है, T2 कितना है 8 है, T3 कितना है 15 है और T4 जो है 22 है। इसी तरह से आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप दे सकते हैं। ये T1 है आपका, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इनकी डिफरेंस चेक करना है। कांस्टेंट क्या आता है, डिफरेंस का डिस्टेंस क्या आता है, इसका मुस्तकिल फर्क क्या आता है। ओके, तो देखिए आप यहाँ से अगर ऐसा करें, T4 में से T3 निकालें, 22 में से कितना देंगे 15, मतलब यहाँ से आ जाएगा 8, देखिए 7 है, 15 में 5 गुना 20 बजे तो 7 कितना आ रहा है 7। अब T3 में से आप निकालो T2, 15 में से निकालिए 8 कितना आता है 7। अब निकालिए T2 में से T1, 8 में से 1 कितना आता है 7। अब गौर कीजिए ये डिफरेंस कैसा आ रहा है, एक जैसा है। ये आपको एक्टिविटी करना है, मैंने डायरेक्ट आपको करा कर दिया पूरा, क्योंकि आपका बेसिक परफेक्ट होना चाहिए। ओके, इस चैनल का मकसद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि सिलेबस आपको रटना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए T4 में से T3 कितना हो जाएगा 12 में से 9, मतलब कितना आ रहा 3। T2 में से T3 में से T2 मतलब 9 में से 6 कितना आ रहा है 3, और T2 में से T1 मतलब 6 में से 3 कितना आ रहा है 3। ओके, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक्टिविटी का पार्ट है। इस तरह से आपको बॉक्स दिए जाएंगे, यहाँ पे इसमें क्या लिखना है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इधर क्या आएगा, इस तरह से यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कोई भी कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए, या तो हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर इसके बता सकते हैं अगले। और कुछ प्रॉब्लम में जो टर्म पर है वो आगे की वीडियो में लूंगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।